नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां भाजपा के वोटर चेतना महाअभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए 21 नवंबर को आजमगढ़ में काशी और गोरखपुर क्षेत्र कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें वोटर चेतना अभियान की समीक्षा की जाएगी। साथ ही बैठक में काशी और गोरखपुर के समस्त पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, सभी मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष, महामंत्री समेत सांसद और अन्य लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। रामनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के अभिषेक के लिए जिस शुभ घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, उसकी तस्वीर अब साफ हो गई है। पूरी दुनिया भर में राम भक्त इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं और रामलला के विराजमान होने के बाद उनके दर्शन के लिए हर कोई उत्सुक है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से तैयारियों को और तेजी से अंतिम रूप भी दे दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त और मृगाशिर नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का अभिषेक करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां जिले के सभी ग्रामीण और नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित हुआ है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि आरोग्य मेले में गर्भावस्था और प्रसवकालीन सेवाएं, पूर्ण टीकाकरण, बच्चों में डायरिया के साथ निमोनिया के रोकथाम, बचाव और इलाज की जानकारी दी जा रही है। वही परिवार कल्याण कार्यक्रमों के तहत बास्केट ऑफ चॉइस के बारे में मेले में आने वाले लोगों को भी बताया जा रहा है और इच्छुक लाभार्थियों को परिवार नियोजन साधन भी मुहैया कराए जा रहे। खबर हरदोई से है, जहां विवादित टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की है। बताया जा रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए फाइनल मैच में भारतीय टीम के हार जाने के बाद विधायक श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि अगर भगवान के वश में कुछ होता तो क्या वो भारतीय टीम को हारने देते। वही विधायक श्याम प्रकाश के अभद्र टिप्पणी के बाद हरदोई के तमाम लोगों ने विधायक को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके पोस्ट को शेयर करके लोग श्याम प्रकाश को भाजपा का स्वामी प्रसाद मौर्य बताने लगे हैं। खबर बहराइच से है, जहां छठ का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया गया और बताया जा रहा है कि क्षेत्र के नदी और तालाब के तट पर पूजन सामग्री के साथ पहुंची महिलाओं ने छठ मैया के गीत गाकर पूजा अर्चना की, जिससे तट पर मेले जैसा माहौल देखने को मिला। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम घाटों पर किए गए थे। अलीगढ़ शहर में टीम इंडिया की वर्ल्ड कप मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया से करारी हार के बाद आम जनता के गुस्से सातवें आसमान पर नजर आए। बताया जा रहा है कि लोगों ने सरेआम चौराहे पर टीवी तोड़कर अपना गुस्सा उतारा और आम जनता से जब हार की वजह पूछी गई तो उनके द्वारा साफ तौर पर यह बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री मैच देखने गए थे, यही कारण है कि इंडिया हार गई। और अब से पहले सभी मैच में इंडिया अच्छे तरीके से जीत रही थी, लेकिन देश की सरकार ने मैच को फिक्स किया है, जिससे कि टीम इंडिया हारी है। भारत विश्व कप का चुनाव क्रिकेट मैच हारा है फाइनल। देश के आम नागरिकों की ये राय है कि देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इस भारत के लिए शुभ नहीं है। और भारत के खड़े का मामला, अरे साहब पूरा दिन मैच देखते, हमें तमन्ना थी इंडिया जीते जीते, लेकिन साहब 140 करोड़ देशवासियों के लिए कितना धक्का लगा ये मैच हारने पर। साहब दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है सर, जीवन में इतना दुख नहीं हुआ होगा। हम सोच रहे फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया, सर नहीं पहुंची। इसके लिए अंदर की आत्मा रो रही है साहब, हमारी बहुत 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 आत्मा रो रही है साहब हमारी, तो क्या करें साहब मौजूद, लेकिन आंखों में इतना आंसू बाहर नहीं निकलने पर, बस ये समझ लीजिए साहब इतना क्या करें। अब जो कुछ होना तो हो गया, लेकिन झूझे तो तानी पड़ती है कहीं ना कहीं। इतने सुबह से कब से मेहनत करते आ रहे हैं, 1-1.5 महीने से, कि हमारी इंडिया वर्ल्ड कप लाएगी, इंडिया हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड कप लाएगा, हिंदू नहीं लाए सर, क्या करें यार।
तो दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाए प्रदूषण अब और जानलेवा हो गया है और दिल्ली का औसत AQI 300 पार चल रहा है। बताया जा रहा है कि हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि ये पोल्यूशन यूपी के अलग अलग शहरों में जानलेवा असर दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि पोल्यूशन से कानपुर में 7 दिन में 3 मौतें सांस लेने में दिक्कत के चलते हो चुकी है। तो वही मेरठ में एक युवक को तेज बुखार आया और रेस्पिरेटरी सिस्टम ही फेल हो गया, जिससे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वही डॉक्टर मान रहे हैं कि पॉल्यूशन ने फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल घटा दिया है, जिससे पॉल्यूशन से फेफड़ों की नलियां सिकुड़ चुकी हैं। साथ ही ऑक्सीजन की इनहेलिंग धीरे धीरे घट रही है। वही अब डॉक्टर सांस के मरीजों के साथ ही बच्चों को मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार महिला को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई और घटना के बाद ग्रामीण और परिजनों ने अलीगढ़ मथुरा रोड को जाम कर दिया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। और जो बाइक थी उस पर मेरा भांजा और मेरी बड़ी दीदी बैठी हुई थी, उनकी ना लाली की शादी थी। वो जो है अपना भात रौंदने के लिए आई थी गांव में, वो गांव से निकलने के बाद जैसे ही गिलास क्रॉस करा है तो ये भट्टे के बराबर पे आकर के पीछे से गाड़ी ने टक्कर दिया उनको, और टक्कर पे दीदी नीचे गिरी है, बाइक उल्टी साइड में गिरी है तो भांजा बच गया और दीदी के ऊपर गाड़ी उतर गई है। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक महिला की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, तो काफ़ी परिजन वगैरह उनके इकट्ठा हो गए थे। वर्तमान में सभी को समझा बुझा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और यहाँ पे शांति व्यवस्था ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले गिरोह के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने अवैध असलाह समेत एक कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मैनपुरी में थाना प्रभारी कुरावली प्रभारी सर्विलांस टीम के साथ कुरावली घिरोर रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है और बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 1 तमंचा, 1 जिंदा और 2 खोखा कारतूस के साथ 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एक चेकिंग कर रहे थे ये घिरोर रोड पर नहर पुल के पास, तो एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वो रामपुरा रोड की तरफ भागने लगा और पुलिस ने उसका पीछा किया। जब पीछा कर रही थी पुलिस तो 500-700 मीटर आगे ये एक साइड का रोड पकड़ करके भागने लगा और मोटरसाइकिल छोड़ दिया। तो पुलिस ने जब इसको घेराबंदी की तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।